तो मैं अपनी वालदा को भी ले गई साथ में. मेरी अम्मी ने कहा कि मुझे ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है इन माई राइट ब्रेस्ट. मैंने कहा चले मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रही हूँ, दिखा देते हैं. उनका नॉर्मल अल्ट्रासाउंड हुआ, उसमें सिस्ट आया. उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट लुकिंग गुड, टेक अप फॉर अ मैमो. मैमो हुआ, सारा कुछ हुआ, पता चला मेरी अम्मा वॉज डायग्नोज विद स्टेज 4 कैंसर. स्टेज 4 कैंसर विच वॉज स्प्रेड स्पाइन में, किडनी में, लंग पे. आई वॉज नॉर्मल ब्रेस्ट कैंसर. तो उस वक्त माई मदर इन लॉ इज एन अमेजिंग ह्यूमन बींग. मैं जब किसी भी शो पर जाती हूँ मैं अपनी सास की ज़रूर तारीफ करती हूँ. वो पॉइंट आया कि मैं अपनी वालदा के घर मूव हो गई, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट ऑपोजिट स्टार्ट हुई थी. दे स्टार्टेड विद कीमो, देन द मैस्टेक्टमी एंड देन द रेडिएशन. सो मैं अपनी अम्मी के यहाँ मूव हो गई. मेरा बच्चा छोटू सा था. आई टुक हिम अवे फ्रॉम हिज फादर इज वेल, विच इज वेरी क्रूअल, बट आई मूव टू माई मदर्स हाउस. के अम्मी की नर्सिंग नर्स नहीं करेगी, मैं करूँगी, वाइफ बेटी हूँ, मैं क्यों नहीं करूँगी. वो मैं घुटती गई, वो निकला नहीं गई. मेरे दो बहन भाई और हैं, वो यहाँ नहीं होते. तो मैं घुटती दी गई. अम्मी मतलब आप फील नहीं कर सकते कि आपके पेरेंट्स चले जाएंगे, या वो सोच ही नहीं आपके अंदर आती ना जब तक आपको हिट नहीं करता. और वो मेरे मुंह पे जैसे ना ऊपर से तमाचा आया था कि ओ माय गॉड सना, ये तो और जा रही है तुम्हारे हाथ से. फर्स्ट कीमो, सेकंड कीमो, स्टार्टेड लूजिंग अ हेयर. एंड आई स्टिल रिमेंबर नायल को मैं दूध पिला रही थी एंड माय मदर केम आउट ऑफ द बाथरूम एंड उन्होंने अपना सिर शेव कर दिया था. बाल झड़ते थे तो कहती है तुम्हारा बेबी बहुत छोटा है ना, तंग होगा. वो मेरे हाथ से होती थी. आई एम सो सॉरी, सो सॉरी. तो एक तरफ मैं होती थी, बीच में नायल होता था, साइड में अम्मी होती थी. अच्छा उनके सामने आई यूज टू पोछे कि आई एम सो स्ट्रॉन्ग, डजंट मैटर. नायल को मैंने टॉप फीट पे डाल दिया. मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि दिमाग ही नहीं चलता होता था. माँ जा रही है एक तरफ से, एक तरफ से आपका बेबी है. एंड तो फिर यू नो शी शेव्ड हर हेड ऑफ एंड वो भी मैंने डील किया. मैंने कहा नहीं यार अम्मी आप तो बड़ी कूल लग रही हैं, आई डेंट नो कि आप बॉल्ड होगे इतनी हॉट लगेंगे यू नो. एंड देन वो जब सारी चीज़ें इकट्ठी हुई ना तो आई रियलाइज कि आई स्टार्टेड हेटिंग माई हस्बैंड. लाइक वो घर आता था मुझसे मिलने एंड अल्लाह उसको जिंदगी दे, इज अ ग्रेट गाय. मतलब मेरी जितनी क्रैप उसने ली है ना. और मेरा डिप्रेशन वाज फॉर 2 इयर्स, क्योंकि 1.5 साल तक आई वाज लाइक नहीं कुछ भी नहीं है, बकवास कर रहे हैं सब, कुछ भी नहीं है. डिप्रेशन क्या होता है, बकवास बात है. यूज टू कम एंड आई यूज टू से कि प्लीज जाओ यहाँ से, स्टॉप अनोइंग मी, यू नो जस्ट गो अवे. तो जो मेरी एंग्जाइटी, जो गुस्सा था कि अम्मी को क्या हो गया, नायल पता नहीं सही पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा. और ये बड़ा क्वेश्चन होता है माओं के साथ, क्योंकि कोई भी आके ना आपको बोल जाता है कितना कमजोर है तुम्हारा बच्चा, कितना कमजोर है, कमजोर है. कैन यू लाइक सी द सिचुएशन आई एम गोइंग थ्रू? नो, दे वुड से सम वेरी तो मैंने जो सबसे बुरा अपने साथ किया ना, आई डिडंट टेक हेल्प, आई स्टॉप गोइंग आउट. वो जो मेरी जिंदगी के 2 साल थे ना, मैं घर से निकलती नहीं थी कि अगर अम्मी को ज़रूरत पड़ गई. और नायल और मेरा हस्बैंड वो मुझे हर दिन आता था मिलने के लिए. आई वाज लाइक नो. उस वक्त मुझे ये ख्याल आने शुरू हुए कि शायद ही इज द जड़. आई थिंक आई शुड टेक अ डिवोर्स, आई शुड जस्ट एंड इट. ओह माय गॉड, बिकॉज़ इट्स नॉट वर्किंग आउट. वो इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया. नफरत होती है ना, वो नफरत बच्चे पे नहीं निकल सकती थी, माँ पे नहीं निकल सकती थी. तो वो ईजी टारगेट मेरे लिए क्या था? शौहर, क्योंकि वो बेचारा चुप होकर मेरी से बकवास सुनता था. और मैं सिर्फ रोती रहती थी यार जस्ट गो अवे, आई डोंट वांट टॉक टू यू, ये वो, विदाउट नोइंग कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू इज डिप्रेशन. फिर मुझे वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स, शी हेल्प मी. शी वाज लाइक सना यू आर साउंडिंग वेरी वियर्ड, क्योंकि आप सुसाइडल भी आपके अंदर दिमाग में आती है कि यार मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं ही जड़ूँ, यू नो. बच्चा भी सही नहीं पल रहा, माँ भी नहीं ठीक हो रही, दिन ब दिन सेहत डिटोरिएट हो रही है, तुमने करा क्या है? तो शी वाज लाइक सना आई थिंक यू नीड टू गो टू अ श्रिंक, एंड मीनिंग आई नीड टू गो सी अ साइकोलॉजिस्ट, अ साइकाइट्रिस्ट. आई वेंट एंड आई जस्ट ब्रोक डाउन. आई थिंक मेरी जिंदगी किस दिशा में है मुझे समझ ही नहीं आ रही. बच्चे से प्यार बहुत है, लेकिन इतना प्यार है कि वो ऑब्सेसिव होती जा रही हूँ मैं.
कि कोई नाल को गोदी उठाएगा, कोई नाल को ये नहीं करेगा, क्योंकि फियर बैठ गया था ना, अम्मी को मैं टच करूंगी, अम्मी का खाना सिर्फ मैं पकाऊंगी. मैंने जितनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो सिर्फ अपने सर ले ली थी कि नायल को कोई नहीं टच करेगा, ना मेरी माँ को टच करेगा, उसका खाना मैं बनाऊंगी, अम्मी का खाना मैं बनाऊंगी, जो मैंने जिंदगी में करना है वो मैं करूंगी. क्योंकि वो सना यू सी, वो जो तो पहले दो मिसकैरेजेस हुए थे ना, उनका फियर ऐसे आया कि लाइक मैं लिटरली मेरी वो कंडीशन थी कि नायल को अभी भी कभी कभी मैं उठ के ना उसकी सांस चेक करती हूँ, पेट को नाक के आगे सांस आ रही है, थोड़ा सा लंबा सो जाते तो मैं देखती हूँ, पैनिक होता है कि या अल्लाह थोड़ा सा हो गया वो, मुझे तो लगता है वो अभी भी कॉट में ही है वो, जैसे कि एक छींक आ जाए नायल को. पहले तो मेरा वो वाला कंडीशन हो गया था दीवानगी का कि नायल को खांसी होती थी ना, मैं ईआर लेके जाती थी और कहती थी एडमिट करो इसको, सही करके दो मुझे. मतलब वो उस लेवल पे मेरा पागलपन पहुंच गया था. काम मैं कर नहीं रही थी, घर से बाहर नहीं निकलना, किसी से नहीं मिलना, फोन नहीं उठाना, किसी को मैसेज नहीं करना, नहीं मैं गलत माँ हो जाऊंगी. वो रियलाइजेशन कब आई कि हाँ भाई मुझे जरूरत है अब देखने की, आई नीड हेल्प, व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग एंग्री एट माय सन ओनली. झिझलाती थी, क्या मुसीबत है ना, जब आपके अंदर गुस्सा जब मेरा उस बच्चे पे निकलना शुरू हुआ ना, देन आई वाज लाइक यार ये कुछ गड़बड़ है मेरे साथ. वेंट टू द साइकियाट्रिस्ट एंड शी वाज लाइक लिसन, तुम्हारा केस काफी ज्यादा आगे तक जा चुका है एंड यू रियली नीड टू टॉक इट आउट. तो मेरी उस जमाने पे फिर जब मैं थेरेपी पे जाती थी तो स्टार्टेड ऑफ विद 2 days, देन इट एंडेड ऑन not ended in the middle, I used to go 4 days a week क्योंकि मैंने बोल दिया था मैं दवाइयाँ नहीं खाऊंगी. दवाइयों का मुझे लगता है कि वो आप पे टेपर ऑफ नहीं होती आपसे, आप फिर लग जाते हो. तो मैं रेगुलर थेरेपीज पे जाना शुरू हुई एंड आई थिंक दैट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ. हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ पे इतना ज्यादा वो नहीं होता, फोकस नहीं होता, नहीं होता. तुम्हारे घर में किसी ने बोला कि तुम किसी को बताना नहीं कि तुम थेरेपी पे जा रही हो? हाँ, या कुछ सबको लगे तुम पागल हो? अच्छा, पागल लोग जाते हैं थेरेपी पे. माय मदर इन लॉ इज वेरी कूल, आई लव हर द मोस्ट इन दिस वर्ल्ड, बट उनको भी लगता था कि बकवास कर रही है, व्हाट डिप्रेशन, पहली मां बनी है. सारी माँ ने कहा कि हमने क्योंकि हमने तो छीछे निकाल दिए भाई, हमने तो दस कर दिए, हमने तो इतने कर, हमें तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ. उनको हुआ होगा सना, उनको पता ही नहीं है कि वो ये है. उनको रियलिटी चेक नहीं दी किसी ने, नहीं दी. एंड देन आज के जमाने में अल्लाह का शुक्र है, उस जमाने के हस्बैंड ज्यादा डिफिकल्ट थे मुझे लगता है, यू नो, क्योंकि उनका सिर्फ यही काम था कि दफ्तर जाना है, दफ्तर जाना है और पैसे कमाने. वो अगर बच्चे को गोद में, मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ जब बच्चे को गोद में खिला भी रहे ना तो लोग कहते हैं आप बेबी सिटिंग हो रही है. इट्स नॉट बेबी सिटिंग, इट्स पेरेंटिंग. इट इज, हां इट इज पेरेंटिंग. आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस सॉर्ट ऑफ बिहेवियर फ्रॉम माय हस्बैंड, जिसके लिए मैं पूरी जिंदगी उसके लिए जो भी करूँ वो काम है. अ पर्सन हु नेवर रियली वाज इनटू किड्स वाज अ हैंड्स ऑन फादर. Still is a hands-on father. अल्लाह का करम है बहुत बहुत. मतलब अभी भी मैंने आज की रूटीन है कि नायल को सुलाना उसने है. They have their romance रात को एक घंटा उन लोगों का उन लोगों की बात होती है. लेकिन story अब्बा बेटा. Yeah yeah yeah. And it is so important. जो अभी भी अगर हम, मैं किसी को छोटे तबके या बड़े तबके की बात नहीं कर रही, नॉर्मल घरों में भी मैंने देखा है कि अगर वो बेबी बैग उठा लेते हैं मर्द तो ओ माय गॉड के एहसान कर रहे हैं बीवी के ऊपर. बीवी बेचारी पागलों की तरह पीछे पीछे भाग रही होती है बच्चा उठा के बेबी बैग. सना उसको लगे ना लगे लेकिन जो लोग है ना वो उसको कहते हैं तू कैसा मर्द है, तू बैग उठा के करेगा.